अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अली हेल्थ एंड हर ब्रोकों के नाम से मेरी अपनी वेबसाइट है। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है। आप लोग मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा नुस्खा जाया चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 110% एक्यूरेट नुस्खा जाया ला के दूँ, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट हो। मैं काफ़ी दिनों से जो है एक नुस्खे की तलाश में था और उसको चेक कर रहा था, और मेरी जो थी अव्वल तो कोशिश होती है कि मैं जो है इस तरह के नुस्खों को अवॉइड करूं और इस तरह की जो है आपको जो है वो नुस्खा जानता हूं जिनमें ये चीज़ ना इस्तेमाल की है। लेकिन फिर भी मुझे इसके अलावा कोई और ऐसा जो है नुस्खा नहीं मिला या मैं नहीं प्रेफर कर सका, तो इसलिए जो है मुझे आज ये बताना पड़ रहा है कि मुझे काफ़ी भाइयों की फेसबुक पर जो है कमेंट आए थे, मेल्स आई हुई थी। तो क्योंकि जैसा कि अब रमज़ान भी है, आप लोग बेहतर समझते हैं, तो काफ़ी भाइयों को नमाज पढ़ने में जो परेशानी पेश आ रही है, नमाज और फिर रोज़ा भी। आपको पता है आजकल का जो है वो गर्मी वाला रोज़ा है, और फिर उसके बाद रोज़े के दौरान अगर इस तरह तो रोज़ा भी नापाक हो जाता है, नमाज भी ठीक तरह से आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तरावियाँ वगैरह जिस तरह भी आप लोगों की है। तो मैं पूरी कोशिश की थी कि पहले मैं इस नुस्खे को अवॉइड करूँ, लेकिन फिर मुझे इसके अलावा कोई और चारा नहीं नज़र आया या कोई हल नहीं नज़र आया, तो फिर जो है मैं नुस्खा लेके आ रहा हूँ। तो इस नुस्खे को जो है मेरे प्यारे भाइयों इस तरह इस्तेमाल कीजिएगा कि इतनी एहतियात इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको जो है इसका नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आप इसकी मिकदार को अगर ज़्यादा करेंगे जल्दी ठीक होने की के लिए, या आप सोचेंगे कि अभी फ़ायदा नहीं हो रहा लेकिन आप कंटिन्यू रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा 110%। लेकिन अगर आप इसकी मिकदार को ज़रा सा भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको इसका नुकसान होगा, और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि ये नुस्खा जो है आम नुस्खों की तरह नुस्खा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कुछ कुश्तें हैं जो मैं आपको बताने लगाऊँ, तो ये तीन कुश्तें हैं जिनको मिला के ये एक चीज़ बनती है, और जिसकी वजह से आपको जो है मसला जो है वो ख़त्म होगा। तो जो मुझे मेल्स आई वो मेल इस हवाले से हैं कि पेशाब के बाद पेशाब के कतरे आ जाना ठीक है, जो काफ़ी भाइयों को मसला है कि वो नमाज के दौरान इस तरह पेश आना, या बैठते हुए उनको जो है पेशाब के कतरे आ जाना, इस तरह से जो सूरत हाल है ये उस के ऊपर मैं जो है आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, मैंने जैसा आपको पहले बता दिया है सब कुछ के जो है बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, और जो मिकदार मैं बताने लगा हूँ इस मिकदार से आपने एक सूत्र भी कहता है ना, एक सूत्र भी आपने ज़्यादा नहीं करनी, ना बढ़ानी है। क्योंकि ये कुश्ते हैं, कुश्ते जो है यूज़ करना जो है नॉर्मल बंदे के लिए जो है वो कैपेसिटी से ओवरलोड है। तो इसलिए काइंडली ज़रा एहतियात कीजिएगा, और जिस तरह बताने लगा उस तरह ही यूज़ कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो यूज़ जो कुश्ते हैं वो कौन कौन से कुश्ते हैं। तीन कुश्ते हैं, अज़ा नोट फरमा लें। कुश्ता फुलादी आपने ले लेना 10 ग्राम ठीक है, कुश्ता सिक्का आपने ले लेना 10 ग्राम, और कुश्ता बैजाई मुर्ग आपने ले लेना 20 ग्राम। ये तीनों कुश्ते आप किसी भी जो है वो जो है अपना जो कंपनीज है उनका ले सकते हैं। जिस तरह इस टाइम जो ज़्यादातर बेस्ट कंपनी है वो आपकी हमदर्द है ठीक है, इस तरह जो दूसरी कंपनीज हैं उनका भी आप ले सकते हैं, जो आप बेहतर समझें, जो जिसकी जो ये कुश्ते हैं वो बेहतर हों वो आप ले लें। इसमें बनाने वाला कुछ भी नहीं, जस्ट आपने तीनों कुश्ते ले लेने हैं, और तीनों कुश्तों को आपने जो है आपस में कंबाइन कर लेना, आपने एक जो है बोतल में जो है डाल लेना, तीनों कुश्तों को मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद यूज़ करने का जो तरीका है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, काइंडली इसको नोट फरमा दीजिएगा, इससे एक सूत्र भी ज़्यादा आपने नहीं करनी है। तो आप जो कुश्ता इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म हो गए, इसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने काली मिर्च का जो एक दाना है, काली मिर्च का दाना आपने लोगों ने देखा होगा कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, काली मिर्च का एक दाना ले लेना, उसके बराबर जो है ये पाउडर फॉर्म में आपने कुश्ता लेना है, और इसको जो है आपने जो आपका मक्खन है मक्खन के साथ आपने इसको लेना है। मक्खन के साथ किस तरह लेना है कि आपने जो है खाना खाने के बाद जो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद जो है आपने मक्खन ले लेना है। मक्खन तकरीबन इतना हो कि जिस तरह एक क्यूब होती है आपकी मक्खन की टिक्की होती है, जिस तरह ये ब्लू बैंड इस तरह जो आपकी मक्खन होता है इस तरह का जो टिक्की होती है, वो टिक्की आपने ले लेनी है। उसमें काली मिर्च के बराबर जो है आपने पाउडर फॉर्म को मिक्स कर लेना है, और उसको खा लेना दूध के साथ। कम से कम दूध जो आपने पीना है वो कम से कम एक गिलास से ज़्यादा होना चाहिए, एक गिलास इतना ज़्यादा नहीं, कम से कम जो आपने दूध लेना है 1/2 किलो लेना है ठीक है। क्योंकि कुश्ता है, कुश्ते में दूध का जो
तरीकाकार होता है वो इस तरह ही होता है कि आपको दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर आप आधा किलो भी पी लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, ये कोई जादू नहीं है, कुश्ता है। अगर आपने कुश्ते के साथ ज़रा सी भी बदतरहेजी की या जो है जिस तरह मैंने आपको बताया, इसके अलावा आपने ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की, तो इसका आपको 110% एक्यूरेट जो है ना नुकसान होगा, ठीक है, फायदा नहीं होगा। क्योंकि कुश्ते जो होते हैं वो समझ लें कि वो नॉर्मल बंदे की कैपेसिटी से 1000% ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि कुश्ते तब इस्तेमाल कराए जाते हैं जब आपकी बीमारी को जो है टेक ओवर करना हो फास्ट, तो इसलिए जो मैं आपको ये कुश्ता बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको बताया, इस तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आपको पेशाब के बाद कतरे आते हैं पेशाब के, तो इंशाल्लाह वो आपको नहीं आएंगे। और जिस तरह मैंने आपको बता दें, इस तरह ही इस्तेमाल कीजिएगा, बदपरहेजी ना कीजिएगा इसमें, तो फिर जो है नुकसान आप लोगों का होगा। मुझे नेक्स्ट टाइम तक की वीडियो के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।